अमरदास हृदय नित त्यामु हृदय नित त्याम श्री गुरु राम दास गुण गाओ गुरु अर्जम बिघनन के नासक बिघनन नासक हर गोविंद शुभ मत प्रकाश श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर श्री हर कृष्ण बंदो बार बार जगदीश एक ओंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न ਇੱਥੋਂ ਚੌਂਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਆਹ ਛੱਡ ਚੌਵੀ ਛੱਡੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ 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 ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ ਕਾਲੂ ਤਬ ਸਭ ਵਿਦ ਕਰੇ ਜੋ ਬੇਦੀ ਕੁੱਲ ਰੀਤ नर नारी कीर्त कर पुर मैं परम प्रणीत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सतगुरु दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सतगुरु नानक साहब का अवतार अमृत वेले सवेरे आपां श्रवण किया है जिस दे विच उस समय दियां जो रौ रीतियां चलदियां सन सारिया परिवार वालों बेदी बंस वालों की गई होर भी बहुत सारिया चीज़ा आदिया जिस प्रकार जो लोग मंगत्यां दान देंदे ने कोई आ गया नचण वाला गाउण वाला कुसरे आ गए कदे कुछ कई कुछ हुंदा ये पहलां दे पुराने रवाज सन जो हौली हौली फिर बंद किए गए सो असी उन्हां वल ज़्यादा विचार नहीं देंदे ख्याल नहीं देंदे हाँ सो फरमाउंदे हन जिस प्रकार अगे दोहरे दे विच सारियां जिहड़ियां बेदी कोल वालियां रीतियां सन वो बाबा कल्याण चंद जी ने कीतियां दोहरा कालू तब सब विद करे जो बेदी कुल रीत प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहेगुरु श्री वाहेगुरु धन बाबा कल्याण चंद जी ने बड़ी खुशी दे विच जो बेदी कुल दी रीत सी सारी पिछों बजुर्गां तों लै के चली आउंदी वो सारियां रीतियां कर दित्तियां नर नारी कीर्त करत पुर मैं परम प्रनीत जितने नर नारी माई भाई कीर्ति करते ने नगर दे विच महिमा ही करते ने परम प्रनीत महिमा हो रही है ऐसा सुंदर बालक असी कदे नहीं डिठा गल नगर दे विच क्या इलाके विच भी फैली है क्योंकि ऐसी जो गल है अवतारी पुरशां दी सारी दुनिया विच फैल गई कि कोई अवतारी पुरश आए हन जो पई बहुत नाड़ के सुत जन माही अस उस्तव कीनो किस नाही सो बड़े बड़े तनाडां दे भी पुत्र हुंदे ने पर ऐसा उत्सव उत्साह मंगत्यां नूं दान देना किसे नूं खाली ना मोड़ना
जो जो भी आया नाराज नहीं मोड़िया। ये बड़िया बड़िया अमीरां विच हुंदा पर अज जिहा जिहा उत्साह उत्सव बाबा कल्याण चंद जी ने किया है ना वो देखिया नहीं है हुण तक। कहे परस पर मिल नर नारी जन्म्यो सत को कर्म उजारी। आपस विच मिल करके सारे नर नारी माई भाई आपस विच कहिंदे ने इक दूजे दे ताई कि जो इन्हां दे घर बेटा आया है ना कोई उजले भागां वाला जद घर दे अंदर वड़दे आ ना मन नूं ठंड पै जांदी शांति है। पिंड दे विच वी उदन दी शांति बड़ी है इलाके दे विच वी होर ही तरह दीआं खुशियां दी लहर दौड़ रही है। ऐसा वाक जो तीजे पातशाह ने भी बचन कीता आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन बजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आइया शब्दो ता गावो हरी केरा मन जिन्नी वसाया कह नानक आनंद होया सतगुरु मैं पाया। खष्टी कीन भले कुल चाली पाए सूब मह बरखत साली। उन्हां समय में जगरीती कीती जांदी सी खष्टी बालक जन्म तो छेवें दिन की रस्म जिसनों खष्टी छठी या छठी आखते वह रीतियां उदों चलदियां सी महाराज दे सिखी प्रचार तो पहलां दा दसदे ने तो बहुत सुंदर यह जो सी पाए सूप मैं बरखत साली जो है इस तरह छज दे विच पा करके जो चावल आदि कर ये सन वो छंडदे सन। अष्ट जोगनी क्या अवेखा कुशल बाग सुत की सिर टेका। छे जोगनियां जिहड़ियां ने उन्होंने आ करके नमस्कार कीती है कुशल मांग सुत की सिर टेका। सो कुशल मंगदियां ने क्योंकि कोई मत्था टेकणो रहा ही नहीं है पहली बार धरती उते। सो जिवें रागी सिंघां ने पटना साहब जोड़ के शब्द सुनाया सी कहने सुनो दरानी सुनो जटानी एक अचरज एक भया। अगे तो पंगती होर आ उन्होंने अद्धी होर लाई। सो इस करके वह कहिंदे ने चंद चढ़िया मैं अगे देखो चंद चढ़े आया इस करके कुशल मांग सुत की सिर टेका। ऐसे निरंकार जी नूं हर कोई मत्था टेकण आ रहा। त्रोदस दसो है संख्या कीनी आयो दिज काल सुध दीनी। तो उदों एक तरवाज सी तेरह दिन दी संख्या दिनां दी करदे सन आयो दिज कालू सुध दीनी। आ करके हरदयाल पुरोहित जी ने बाबा कल्याण चंद जी ने यह खबर दिती जिस प्रकार सिसको नानक नाम तरी जाए इसकी सरवर को ना जनी जाए। मैं नौ बड़े बड़ी मेहनत नाल खोज के लिया जो आपां इन्हां दा रखना इन्हां दा नाम नानक रखना। तुसी कल्याण चंद हो ये नानक चंद ने प्रथमा नानक चंद जगत भयो आनंद इसकी सरबर को न जनीजा। क्यों मैं ये देखिया इन्हां दे बराबर होर कोई दुनिया दे विच नज़र नहीं आउंदा जो ये ने बस तिन्ना लोकां दे विच यही हन। नानक पंडित कैसो पवायो चोला तब कालू मुख ते बच बोला। सो इस तरह इन्हां दे बराबर कोई नहीं। उस वक्त चोला पाउणा कीता पाप चोगा छोटी जी झगली तदों कालू मुख ते बच बोला बाबा कल्याण चंद जी बोले इस तरह रल मिल नाम सो तुरकन हिंदू नह राख है नह राखव ए नाम दजिंदू। ये जो नाम रख्या है ना रलमा मिलमा जा नाम है रल मिल नाम सो तुरकन हिंदू ना तुरकों वाला ना हिंदुओं वाला नह राखव ए नाम दजिंदू। ये नाम ना रख
बाबा जी ने कहा ये नाम नहीं रखना, ये रलमा जा नाम है, होर कोई नाम रखना। अवर नाम को सोध तरीजै, हृदय शुभाशुभ भेव लखीजै। होर कोई नाम सोध के विचार के रखो, हिरदे दे विच चंगा माड़ा भेद जानना करो कोई। जो खत्री के कुल पल लागै, धरो नाम अस बिपर सुभागै। जो खत्रियां दी कुल दे विच चंगा लगे, धरो इहो जिहा नाम इस भागे बिपर, इस भागे सोहने बच्चे दा। दोहरा पूर्व राखा नाम जे पछ हिंदुन जोए। सो चारण करदे ने दोहरे दे विच के अगे रखते रहे हन नाम जे पछ हिंदुआं नूं जोए, जो हिंदुआं दे विच ए नाम। सो तुम हृदय विचार कै कहो न तर्क कोए। ये तुसी मन दे अंदर विचार के देखो, तर्क ना करो, कोई नहीं कहिंदा जिवें तुसी कहिंदे हो। जो पई सुनियो श्रोण दिज बचन उचारा, जह तुमरो सुत बड अवतारा। कहिंदे कोई एवें ना तर्का मारे किते वी की नाम रखता। कहन लगे उस वक्त जो हरदयाल परोहित जी, क्योंकि हरदयाल परोहित जी ने भी सतगुरां ने बाद च ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शी, सिख बन गया सी महाराज दा, यह भी तो यह भी कुची हस्ती सी। धन पाक पहले दर्शन बाबा हरदयाल परोहित जी ने किए ने आम पिंड की संगत विचों, इस करके कहिंदे ने यह बचन उचारिया बाबा जी हरदयाल परोहित जी ने, तुहाडा जिहड़ा ये पुत्र है ना कोई वड्डा अवतार है, मैं एवें नहीं रखता। अवतारी पुरश तो छोटे होंगे, ये तो अवतारा का भी अवतार आया कोई। राम कृष्ण अवतार जुहरका, पूजत हिंद न माने तुरका। ये हुण एक बड़ी अपने संगत दे विचार की गल है जो कवि जी ने लिया, जो उस वक्त बचन होया, ये नोट रखनी चीज भी वह कहते ने हरदयाल परोहित जी की इन्नी श्रद्धा है, जो उन्होंने देखिया सारा कुछ, कहते श्री राम जी ने श्री कृष्ण जी ने जो हरि दे विष्णु जी के अवतार है उन्होंने हिंदू पूजते देखो, पर तुरक नहीं मानते उन्होंने। ये गल तुसी विचार लो मन दे अंदर, ए सिसको मन गे दो हिंदू तुर्क सिख होए सबको, आखो गज के सतनाम श्री वाहे गुरु। कहिंदे जिहड़ा सिस बालक आया ना थोड़े घर, इहनू दोनों ही मन्नणगे, ऐसा अवतारी पुरश है कि तुसी कहिंदे नाम ऐसा मैं सोच विचार के रखिया, हिंदू भी मन्नणगे तुर्क भी मन्नणगे। और ये भी तुहानू दस दिया हिंदू तुर्क दोनों इन्हां दे सिख बन जाणगे, ये होर ही कुछ हो जाणा, ये एक अजीब गल हो जानी कि सारे इन्हों मत्था टेकणगे, इन्हों सतगुरु जी कह के बुलाउणगे। इसके चरण पोत की न्याई पार पर परमारथ पाई। इन्हां दे जिहड़े चरण ने ना पोत हुंदा जहाज, जहाज दी न्याई ने, ओ इस करके पार पर परमारथ पाई, पार पै जाणगे, ये तो दुनिया नूं परमारथ विच लाउणगे। परमारथ विच एक हुंदा स्वार्थ माया करके काम करने, एक हुंदा परमार्थ दा रस्ता। संगत करे संगत करे तरे भव सागर, शुकल जगत में होए उजागर। एक तैनू मैं गल दस दिया हरदयाल परोहित जी कहिंदे, क्योंकि वह तो समकाली होणगे, कालू एक गल दसा तैनू, इहनां दी जिहड़ा भी संगत कर गया ना, चाहे वह पशु होवे, चाहे वह कीड़ा होवे, चाहे वह दरख्त होवे, चाहे वह पहाड़ ते चढ़ गए, इन्होंने तो तार ही देना, बस जिथे चरण पै गए ना वो तर ही जाना, जिन्हें दर्शन कर ले गुरु नानक जिन सुनिया वेख्या सिफर गर्भास ना भरिया रे, सगल जगत में होए उजागर। एक थान नहीं इलाके नहीं होणगे प्रगट, ये तो सारे जग दे विच प्रगट हो जाने है, समुद्र विच इन्हां नूं, पताल विच इन्हां नूं, आकाश विच इन्हां नूं, सुरग मछ पयाले तिने लोग ही इन्हां नूं मत्था टेकणगे। बहुत नरन को करै उधारा, नाम भगत दे दान उधारा। बहुत जीवां दा उधार करना इन्हां ने, और नाम भगती
भाव भगती प्रेमा भगती इन्होंने बहुत संगत नूं दे के बड़े खुले दिल नाल गफे नाम दे वंडने ने और दुनिया तार नाए ने ये इन्नी दुनिया दुखी है कि नाम दा ही छिट्टा देणगे सतनाम दा चक्कर चलाया दोहरा वन त्रिण भूम आकाश मैं होए अदक परताप तुसी कहने मुसलमान ना है कहन सिख ना है कहन हिंदू ना है कहन ऐ ना कोई कहे देख वन जंगलां विच त्रिण कखां विच भूम धरती उत्ते आकाश उत्ते कोई है थां जिथे गुरु नानक दा प्रताप ना होगा पूरी दुनिया तारे क्या आकाश क्या पंछी क्या सब चरणां नूं लग जाने बड़े बड़े राक्षस तार देने ना गौडे राक्षस वर्गे जिवें तारे बेअंत जीवां दा अपनी बनाई दुनिया आप ही तारनी है और किने तारनी है परम पुरातन पुरख पर महानव कर है जाप ये जड़ा है ना जिस दा आद ना होवे कोई देखो किन्ना हरदयाल प्रभु नूं शरदा और किन्नी डूंगी ओदी विद्या है विद्या भी है शरदा भी है बंदगी भी है पाठ पूजा वाला भी है परम पुरातन मतलब आद सच पुरख पर परम पुरख है फिर मानव कर रहे हैं जाप धरती दे सारे जीव इन्हों का नाम जे है धन गुरु नानक जपन गए जो इन्होंने दे दिता ना गुरमंत्र वो सारी दुनिया की तिने लोग जपणगे क्योंकि जिन्हें चार युग पहला यागबल्क मुनि ने कहा सी अपने चेलिया के निरंकार ही दसवें दस रूप धारण करेंगे पहला रूप केसा धारी उन्हों का नाम यह होगा वो आ करके वाहेगुरु मंत्र देंगे तो बड़ा भारी मंत्र है चार युगों का कट्ठा जाप देंगे चेलिया के मन च भी लालसा आई कि सानू भी दे दो वाहेगुरु मंत्र असी भी जपीए फिर कहिंदे मेरा अधिकार नहीं देवत्या नूं भी यही सी भी कदों गुरु नानक देव आउण कदों वाहेगुरु मंत्र मिले वाहेगुरु मंत्र इन्ना वड्डा है कि सिख नहीं इन्ना जपदे हाँ आपां कि देवते यह दैत वह दूजे तीजे सारिया शक्तियां जपदियां वह कहिंदे साडा उधार हो जाए आपां नूं तां इन्नी सोझ ही नहीं ना है किसी किसी को सोझी पैंदी है कि जो गुरु नानक साहब ने गुरमंत्र बख्शिया ये जीव की कल्याण हित बख्शिश किया है जो पई गोगर सागर मार्ग दे निसबासर आए समय से पता है इन्हां दी आज्ञा च ने जिवें सारा ही लिखिया श्री अकाल उस्ताद दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलता है सारा शब्द पढ़ो श्री अकाल उस्ताद पढ़ो कौन है जो थोड़ी आज्ञा नहीं चल विच नहीं चलता है गो मतलब पृथ्वी गिर हुंदा पहाड़ समुंदर रस्ता दिया करनगे इन्हां नूं ये जे चलेगा ना समुंदर ते समुंदर भी रस्ता दिया करेगा पहाड़ भी रस्ता देंगे आओ महाराज जी साढ़े ते चरण पाओ वो सब बनाए परमेश्वर ने इस करके ओंकार सैल जुग पे ओंकार उच्चारण करके सैल पत्थर पहाड़ बने युग बने इस करके निसबासर आयस मैं से रात दिन ये सारिया चीजा गुरु नानक साहब की आग्या दे विच चलदियां हन कर विचार उर नानक नामा यंते मैं राख्यो अब्रह्मा मैं नानक नाम की विचार की अर्था सहित विचार की एवें नहीं रखता नाम जिहदा कोई मतलब ही ना हो इस करके मैं ये सुंदर नाम इन्हां दा रख्या हिंदू तुरक जपेंगे दो समल नाम ए जानो सोई सो हिंदू तुरक सब नाम जपणगे ना सब मिल सारे कट्ठे हो करके ये जान लो इन्हां दा नाम हर कोई लवेगा कोई नानक नाम लवेगा तां ही छुटकारा होवेगा गुरु ग्रंथ साहिब दा कोई शब्द नानक नाम तो बिना नहीं है मूल मंत्र विच भी नानक नाम आऊगा तां ही पूरा होना है इस करके जिथे धन गुरु नानक कहता ने कवारी उथे जमदूत भी छड़ जांदे हन भव पत्रे मैं ऐ शुभ बाता जो हेरी सो भक्षे ख्याता जन्म पत्री विच सारियां अच्छियां अच्छियां बातां गल्लां विचारियां
जो मैं देखी है सो मैं कही है, ख्याता प्रगट ही कालो करना लखिया को कही साच निश्चय होए सो। कालो तू कूर ना लखिए को तो ये जेड़ा कई बार छापे की गलती हो जाए कूर कालू कूर ना लखिए को। कल्याण चंद जी कूर ना जानो, मैं अज तक किसी बच्चे बारे इस तरह कहा पहला कदे कहा किसी बारे इना बारे मैं क्यों कहा, क्योंकि कहीं साच निश्चय होए सो। मैं सच कहना निश्चय ही गल होगी, तुसी देख लियो जदों वड्डे होणगे। नानक नाम अर्थ ते सुनिए परम वर्ण बर उरमह गुणिए। मैं सारे अर्थ विचारे ने नानक नाम दे अर्थ तुहानू दसदा, तुसी कहने नाम की रखता है परम वर्ण बर उरमह गुणिए। इन्हां दे जिहड़े बड़े श्रेष्ठ अक्षर ने ना वो मन दे अंदर विचारो, मैं तुहानू अर्थ दसदा हाँ। पराग कवित पराग जो नकार नप नाम देखत बल जावै। पराग जो नकार नप मान आबिधान जानता हूं ते आकार ले अनक पुन तीन है। तो इस करके ये जिहड़ा है ना इस छंद विच भाई साहब जी भाई वीर सिंह लिखते ने नानक नाम का अर्थ व्याकरण की रीति अनुसार करते ने एक अखरे कोश। सो एक कजरी कोश के अनुसार नन्ना नन्ने का अर्थ पुरख है। इस पहले नन्ने के कन्ने नूं ऐड़ा समझो, इउं अनक पद वध गया है। हुण ये आम नहीं समझ लगना थोनू, क्योंकि तुसीं ये विद्यावां पढ़िया नहीं हुई। व्याकरण अनुसार पहला ही आड़ा निकल आता हों हरेक अखर चो, जो आप करते अर्थ कहते नन्ना फिर आड़ा मूहरे अपने आप आ गया। इस पद विच आए दूजे नन्ने विच दूजा ऐड़ा आ गया अन, इसलिए अन अक ये दो पद बने ने। आ अक का अर्थ है दुख, अन का अर्थ है नहीं। जिस पुरख नूं दुख नहीं जो सदा आनंद स्वरूप है वो नानक है, अर्थात हरखवंत अनूप रूप निर्मल विगासी है। न अन अक नानक ये बनता, न पुरख अन नहीं है अक दुख। जिस पुरख नूं दुख नहीं है एक होर वित्पत्ति भी है, ना अनकं ना होवे अनेकता जिस विच जो एक होवे। ये भाई वीर सिंह ने लिखिया है। हुण इहदे विच विचार करदे ने उही दस दिता उन्होंने प्राक जो नकार न अपमान अभिधान जान, ये जिहड़ा पहला जो लग्या है नन्ना अखर पुरख ये विविधान वाचक जिहड़ा है वो समझ समझा कर ते आकार ले अनक पुन तीन, फिर ऐड़ा अखर उहदे विचों निकलना, फिर त्रै निकलना उहदे विचों अनक पुन तीन। दोहरा दादर ओदन मात ते अर्धक खाए पिलाए, बालक लीला करत सब अलख जो लखा न जाए। बस नहीं इतना ही चल गया, क्या पता नहीं छापे ना आप कालो कोर लखे को कई साच निश्चय हो सो। नानक नाम अर्थे सुनिए परम वर्ण वर अगे तो बस एक इको अगे आई पूरी पंक्ति आई भी तो इस करके साध संग जदों ये पोथी करवाई है ना फोटोस्टेट कोई बिच कागज रह गया लगता है, इस करके जो ये नानक नाम दे आप अर्थ करदे आ के जाके किते ना किते मिल जाणगे। फिर आपां नूं जो ये दस्या है दूसरे नकार ते नकार कै आकार कर भयो अन अक चार वर्ण शौकीन है, भी दूसरे जिहड़ा है ना नन्ना वो नकार ते नकार कै। एक ना नन्ना कक्के कन्ना रारा नकार ते निकार कै, नन्ने सिहारी कक्के नूं कन्ना रारा निकार कै, फिर आड़ा कढ लो दूजे चों आकार कर भयो अन अक चार वर्ण शौकीन,
ना अन अख, इन्होंने भी उही अर्थ किया। वो भाई वीर सिंह ने अपनी विचार थले लिखी सी जो सो अक नाम दुख तो बिदत है जगत मद जान नर को दुख नहीं दुख सदा सुख लीन है। जिहड़ा अक नाम दुख संसार दे विच कहने अक गया मैं तां इहतों मैं बहुत अक्या होया दुखी हो गया मैं अक आ जिहड़ा एक बूटा हुंदा अक जहर ही हुंदी निरी ये चीज़ होंगे जगत दे विच जान नर को नहीं दुख सदा सुख लीन है। ये गुरु नानक देव जी जो हैं इन्हों कदे दुख नहीं आता सदा ही सुख विच लीन रहेंगे। हुण जिहड़ा बंदा भी इन्हों दे नाम नूं भी जपेगा धन गुरु नानक देव जी धन गुरु नानक देव जी वह बंदे का भी दुख कटिया जाऊगा क्योंकि उन्हें नानक नाम जपया। सतगुरां दसां पातशाहियां गुरु ग्रंथ साहिब दे नाम दे विच बड़ी ताकत है। इस करके राड़े वाले महापुरख ताइयों बाद च स्तोत्र पढ़ाउंदे सी उहदे विच बड़ी कृपा हुंदी है बख्शिशन इन्नी संगत तो दसां गुरां दा नाम जपा देना पंथ दा पंजां प्यारियां दा सब दा नाम जपाउणा। हुण कई बार सानूं भी नहीं सी उहनां चीज़ां दा पता भी असीं कि वैसे ही चलो स्तोत्र है पढ़दे हां पर ज्यों ज्यों असीं अगे अगे वधदे गए सानू सरबलो प्रकाश चों भी मिलिया होर बहुत सारे थावां तों भी पता लग्गिया इहदे विच बहुत ज़्यादा फल है। सो इस करके जदों नितनेम करदे हो साडे कई पुराने बजुर्गों तो नितनेम तो बाद मैं सुनिया वो सवेरे सवेरे जरूर यह करते सी धन है धन है धन है गुरु नानक देव जी धन है धन है धन है धन है गुरु अंगद देव जी धन पता ये तो छोड़ो धन बाकी सारिया गल्ला मैं जो थोनों कहा कि धन है धन है धन है बाबा कल्याण चंद जी धन है धन है धन है धन है माता तृप्ता जी धन है भी सानू तो उन्होंने करके दर्शन होए सानू तो उन्होंने बंदगी करके निरंकार जी प्रसन्न करके सृष्टि से बुलाया उन्होंने घर आए तो दुनिया तरी कि पुन है उन्होंने साडा भला किया है। इस करके सारी संगत ने ऐसा विचार करना सारिया का सत्कार करना जिनी जिन्हें सेवा की है वो मुताबक उन्होंने आदर माण सत्कार देना। पंथ ने कदे नहीं विचारिया कि बाबा कल्याण चंद जी कदों होए माता तृप्ता जी कदों होए ने उन्होंने भी अखंड पाठ कराइए कदे ना ये गुरु नानक साहब का ही पाठ करा के भाई ना बाला जी का ना भाई मरदाना जी का पाठ ना भाई भगीरथ जी का गुरसिखा भी पाठ कराने से उन्होंने ऐ करता पासे जिमें हो ही नहीं होंगे ये तो चलो कहते भाई बाला जी होए नहीं आ गल ही मुकाई पहले तुम ये मान जो भी होए नहीं फिर एक नूं होर कह देंगे वो भी नहीं होया अच्छा वो भी नहीं होया हौली हौली कहे महाराज तो होए नहीं लो सारे अं तुरी जाए फिर पिछे न इस करके होए नहीं एवें नहीं नाम आता उन्हों का इस करके ऐसो ये नानक को के नाम कहो अर्थ चीन यह जहा गुरु नानक साहब के नाम का जो अर्थ है जानना करो सत चिदानंद नित भगत अधीन वो जो सत चेतन आनंद परमात्मा है ना ये तीन लक्षण सदा हाजिर रहते जिन्हां विच सत तिना कालां विच सत चेतन ते आनंद स्वरूप सदा एक रस रहन वाला है परमात्मा सदा ही आनंद स्वरूप परमात्मा है। बस वो होर उन्हों कोई काबू नहीं कर सकता पढ़ नहीं सकता बस गोबिंद भाओ भगत का भुखा बस जिथे कोई प्रेम करता उ जा बैठ देना आ मेरा प्यारा बई आ बस वो प्यार ही अपने प्रेमियों करते भगतों करते ने। इस करके सतगुरु ने ताइयो कहा सिखी के अधीन है गुरता गादी इस करके उच्चारण करते दोहरा परम हरख कालू करत सुन दिज बर के बैन। बाबा कल्याण चंद जी बहुत बहुत खुश होए रोम रोम करके खुश हो गए कहने आहा मेरे इन्ने वड्डे भाग ने भी मेरे घर दे विच इन्ने वड्डे महापुरख आए ने सो सादर दीन उपायन गयो बहुर निज ऐन सहत आदर दे भेटा दित्ती उन्होंने हरदयाल परोह जी नूं फिर अपने ऐन हुंदा घर दे विच चले गए। तो इस प्रकार जो है इस करके अगे उच्चारण किया है चौपाई
जावत दिजबर हृदय विचारत। जदों तक ये हिरदे दे अंदर विचार रहा है कौन जांदियां जांदियां दिजबर ब्राह्मण जो हरदयाल पुरोहित है हृदय च विचार करता है गटी गिनत होवत अर्थ आर्त गिनतियां गिनता है दुखी भी हुंदा है। इस करके ये जो है चौपाई जावत दिजबर हृदय विचारत गटी गिनत होवत अत आरत। सो जांदियां जांदियां ये हरदयाल पुरोहित ने हिरदे च विचार कीती गिनतियां गिनते हुए कुछ दुखी हो रहे ये क्यों हो रहे हैं ये दसदे हन। दे बिरद पी बैस बिहावा या ते पयो मुझ मन पछतावा। देखो इन्हां दे भगतां दे पछतावे कहे जे ने ये रब दा प्यार है जुड़ी हुई रूह है बंदगी करन वाला है कहिंदा ओहो बुढ़ा हो गया मैं बुढ़ा हो गया उम्र गुजार ली है इस करके पछतावा हो रहा मन दे अंदर। ना देखो मैं ए परतापू पूर बिसूरत पंडित आपू मैं हुण चलाना कर जाना कदे ना कदे ये जदों इन्हां ने वड्डे हो के कौतक करने ने अफसोस के मैं उदों होवांगा नहीं ये बड़ी मेरी माड़ी किस्मत है मेरी उम्र इन्नी क्यों हो गई सच्चे पातशाह बहुत झूरदे हन। कौ लग मैं जीवो जग माही पूर्ण भाग है के मम नाही। मैं कदों तक संसार दे अंदर जावांगा पूर्ण भाग है भी है के नहीं हन मेरे। सिसुदा तज आवै तरनाही उदरै नरबौ संगत पाही। सिस्ता बालपुणा जिहड़ा है छड के जवानी विच आउणगे बड़ी माई भाई दा उधार करनगे उधर है नर बहु संगत पाही जेड़ी संगत करनगे उधार हो जाया करेगा। बिना करो मैं करे उधारा भव बंधन ते हो छुटकारा। मैं बेनती करा इन्हां दे चरणां च मेरा भी उधार कर दिओ ये जेड़े संसार सागर दे बंधन ने ये मेरे कट दिओ मेरा भी छुटकारा हो जावे। ऐसा है गुरु साहब का दर्शन गुरु नानक देव जी का जेड़ा देखदा ओदी शरदा वो जेड़े रब नू लभदे फिरदे इत्थे रब वो कहणगे प्रताखी रब सामने आ गया अज भर लो झोलियां लै लो मुक्तियां अज। दोहरा अंतर जामी जानही मम उरकी जे बाल। हुण अंतर जामी मंदा हो अंतर जामिया हले 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 पहला दूजा चौथा दिन ही है दसवां बारवां ला लो तेरह दिन भीह दिन ला लो इन्नी शरदा बन गई कि अंतर जामी जान दे ने मेरे दिल की भावें की होगा जे बच्चे ने हले छोटे जे भीह दिन दे ने भाई अंतर जामता है उन्हां नूं मैं देखांगा उन्हां नूं। लीला छुक दिखाए मुझ दे उपदेश दयाल। मेरा उम्र का कोई पता नहीं है प्रभु मैनू कोई लीला दिखाओ कोई उपदेश दियो ताकि मेरा भी उधार हो जाए जी। क्यों एक शुद्ध हिरदे की आत्मा मेरे अंदर भी तुहाडे अंदर भी सामने परमात्मा ने जदों गुरु नानक देव जी सामने जाते मन कड़क करके चुंबक नूं चुंबक चिंबड़ दिया ऐं चिंबड़ जाता बस एकदम फिर ध्यान ही नहीं जाता कितने एकदम उन्होंने चरणों में खुब जाती बिरती उत्थे चरनी पै जाता क्योंकि जिवें बच्चे नूं गुमे हुए बच्चे नूं माँ मिल जाए उहदी प्यो मिल जाए वह खुश होता गोदी नाल चिंबड़ जाता है इउं जदों महाराज सामने आउंदे ने चरणों नाल लिपट जाता सच्चे पातशाह कई जन्मों के उलझे फिरदे आ शुक्र है तुसीं आए हो। चौपाई सहत ज्ञान के बोले जब लो राखो ए शरीर मम तब लो। हुण इह अरदासां करदा ज्ञान दे समेत जदों तक इह बोलण लगणगे महाराज हुण मेरी उम्र वधाओ पहलां तां मैं उदों तक जिउंदा रहां पर जदों तुहानूं थोड़ा जिहा ज्ञान होया चार पाँच साल दे बण गए ना वड्डे पाँच छे साल दे उदों तक तां रहां फिर मैं थो तो ज्ञान लऊंगा फिर बख्शिशां लऊंगा। करत मनोरथ गयो नकेता जब नाम अप्रहं गहित हिता। कहिंदे हुण मनोरथ करदा घर जा रिहा चितवणियां चिवता अप वर्गा हुंदी आ मुक्ती वास्ते नाम जपदा जो भी नाम है उहदे कोल उह जपदा है। ते पश्चात बित्यो काला
सने सने तन होत विसाला। उदों बाद बहुत समा जो बतीत हो गया, आस्ते आस्ते महाराज सचे पातशाह दा स्वरूप भी होर वड्डा हो गया। जे बिद हिरदय ज्ञान मुख होहु नित परत वदत दवायत हत दोखो। सो जिस तरह हिरदे विच मोक्षु मुक्ति दे चाहवाना दे अंदर ज्ञान वधदा ना, नित प्रत वदत वधदा, हर रोज वधदा ज्ञान, द्वैष नाश हो जांदी है। द्वैत हत दोखु, वो जिहड़ा दो दुई मैं दुई दोष ना, ये सारा द्वैष वो मेरा वो तेरा, वो सारा नाश हो जाता। ऐसी जिहड़ी चीज़ है वो इन्हां दे हिरदे अंदरों खत्म हो जाती है। सो इस ढंग दे नाल ये चीज़ जिहड़ी आपां नूं समझा रहे हन। कवित बिद से वैराग परद हर से ज्ञान पाल, शिव से बेकार नाश सतगुर दास के। सो इस तरह अगला अध्याय जो है पंजवां, ये प्रारंभ किया कुछ विचार पिछे दित्ती सी इस निशान की टूक अगले पन्ने ते है, कुछ दस रहे ने भाई वीर सिंह अपना विचार दे रहे ने। कहिंदे पिछले पन्ने की टूक, इस अध्याय विच समुंदरीक अर ज्योतिष विचार पंडित ने पुराने तरीके मूजब करना ही सी, वो ठीक उतरिया। इस तो ज्योतिष आदि सच्चे हैं कि नहीं, इस संशय का उत्तर यह है कि यह गणित विद्या के हिसाब ने जो रेखा ते नक्षत्रां विच होए मामलों याद रख रख के विधा नाल मेल मिल के ध्रुवे बदे गए हैं। ये विज्ञान वांगू निश्चय बातें नहीं हैं, कदे ठीक ढुक सकदियां कद नहीं भी, पर इन्हां पर भरोसा करके इन्हां नूं जीवन का आधार बनाउणा सतगुरां ने मने किया, क्योंकि ऐसे पुरख फिर उद्दम तो हीणे हो जाते ते वाहिगुरु तो भरोसा उठ के इन्हां ध्रुव्यां ते जो सदा ही सच नहीं होंदे जा टिकदा है, इस करके उन्हां ते नहीं। इहदे बदल जाणा सारा कुछ, रेखा रूखा सब बदल जाणियां, उह विचार गिणतियां सब खत्म हो जाणियां। हुण हरदयाल परोहित दियां इक्को गल कहूगा कि महाराज मेरा उद्धार कर दिओ। सीत कर जैसे सीत कर सो विनाशरंग ते तिमर हरन से तिमर मो फास के। एक बित जो प्रारंभ होया है इहदे विच कहिंदे हन पंजवां अध्याय श्री गुरु जी की बाल लीला। बाल लीला दे शुरू च लिखिया, मूल विच कवि जी ने अध्याय दे आरंभ विच नहीं लिखिया कि अमका अध्याय आरंभ हुंदा, पर अध्याय दे अंत विच लिखिया कि इत श्री ध्याय। असीं जो हुण तक अध्याय दे आरंभ विच फलाणा अध्याय लिखदे आए हां पाठकां दी सुगमता वास्ते सी, हुण अगों नूं इह असीं अध्याय दे आरंभ दी इह अपनी मोटी सूचना नहीं देंगे। हर सफ़े ते उत्तों उत्ते लीकों बाहर हर सफ़े दे अध्याय दा अंग अध्याय लभण विच सहायक होवेगा, ते हर अध्याय दे आदि विच उस अध्याय विच आउण वाले प्रसंग ते अध्याय दी गिणती बरीक अखरां विच दिंदे जावांगे। होर शुरू कीता जिवें कवित बिद से वैराग प्रद, बिद ब्रह्मा वर्गे प्रद दाता जो है, हर से ज्ञान पाल, हरि हुंदा विष्णु, पाल हुंदा पालण वाले भाव दे के रखण वाले, इस तरीके नाल शिव से विकार नाश। सो सतगुर दास के, शिवजी वर्ग जिहड़े ने वो विकारां दा नाश करदे, वो कामदेव नूं सवाई कर दिता सी। इत्थे एक उन्हां दा अलंकार दे के सतगुर दास के, मेरे सतगुर जो ने विद से वैराग प्रद, जिवें ब्रह्मा जी किसी नूं वैराग दिंदे ने, मेरे सतगुर मैनूं वैराग दिंदे ने। जिवें हरी ज्ञान दिंदे, विष्णु जी ज्ञान दिंदे, रुद्र ध्यान ज्ञान, सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावै, इस करके शिव से विकार नाश। जिवें शिव जी ने काम का ही नाश करता विकारां का, सतगुर मैं किसी नूं होर नहीं मानता, मेरे सतगुर ही मेरा पंच दूत तो दवस कीते काल कंटक मारिया, लभ लोभ काम क्रोध मोह मार कढ़े तो सब परवारिया, तुसीं मार के सिर दिओ इन्हां नूं बार। गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई, महाराज कहने मेरा गुरु ही सब कुछ है मेरे वास्ते, मैं इन्हां छोटियां नूं क्यों मना, जिहड़े जिन्हां तों इन्हां आप शक्तियां लैंदे उन्हां तों, इस करके मेरे मालक निरंकार जी हन। सीत कर जैसे सीत कर सो विशागन ते, सो जिवें सीत कर शीतल करन वाले, ठंड पाउण वाले, विशागन विशे रूपी जिहड़ी ये
कई अक्षर जेडे शॉर्ट करके विशागन मतलब उन्होंने खोल लिए जे विशा अगन विशियां दी अगन ते तिमर हरन से तिमर मोह फांस के जिमें तिमर हुंदा जेड़ा हनेरा तिमर हरन सूरज नूं कहिंदे ने हनेरा नाश करदा ये जेड़ा तो इस तरीके दे नाल से तिमर मोह फांस के मोह दी फाही दा अग्ञान दा नेरा ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਮਦ ਦੀਪਕ ਸਦੀਪ ਦੀਪੈ ਮਾਇਆ ਭਿੰਨ ਜੀਵ ਕੋ ਦਿਖਾਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇ ਸੋ ਧਾਮ ਹਨ ਘਰ ਹਿਰਦੈ ਹਿਰਦੈ ਦਿਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਫ ਮਦ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਦੀਵਾ ਦੀਪ ਹੁੰਦਾ ਜੋਤ ਦੀਪੈ ਜਗਦੀ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਅੰਧੇਰੇ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਸਾਫ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਜਪਦੇ ਰਹੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਪਰਨ ਹਰਨ ਡਰ ਧਾਰਨ ਤਰਨ ਅਰ ਨਵ ਭਵ ਨਾਸ਼ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾ ਜੋਤ ਦੀਪੈ ਜਗਦੀ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਮ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਲਵੰਤਾ ਲਾਉਣੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ ਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਜਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਪਰਨ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਰਨ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੇ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ ਨੇ ਅਰਨਵ ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਨਵ ਹੁੰਦਾ ਅਰਨਵ ਸਮੁੰਦਰ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਡੋਬ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਉਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਨਮ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਰਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਤੇ ਡੋਬ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਕੰਮ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਮਨ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਦਿਉ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਜੀ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰੇ ਸੋਨਾ ਰੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮੋਤੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬ ਚਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸਦਾ ਜਾ ਕਰ ਲਾ ਵਿਆਹ ਜਾ ਫੜਾ ਫੜ ਪੈਸੇ ਫੜ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜ ਜਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਈ ਸੌਦਾ ਚੱਕ ਲਈ ਆਪੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਔਰ ਤਾਰਨਹਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਤੋ ਬੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਦੋ ਕੁ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਜੀ ਮੀਚ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ 12 ਘੰਟੇ ਸਹਿਜ ਪਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੱਥਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦ ਐਨ ਨੀਲਾ ਮੱਥਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬੜਾ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਰਤਨ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਜੈ ਸਰੀਰ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹਮ ਬਿਰਹਿ ਜਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਤਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਜੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੇ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੱਚ 'ਤੇ ਜੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣ ਸਾਰ
दुकानदार अज सच बोलन लग जा, दफ्तरां विच सच चल पवे, तुसी घरां च सच बोलन लग जाओ, सारे सच ते चल। दुध वाले पानी पाउणा छड्ड देण, सच बोलना, हरेक चीज़ च मिलावट हट जाए, रब तां ही खड़ा कोल ही, खे कोल ही खड़ा। पहलों इन्नियां गुनाह करदे, सारा दिन झूठ बोलदे आ, फिर शाम नूं रह रास कर ली, पर बराबर हो गया हिसाब। अज नाले पाप करी जाने है, नाले पाठ करी जाना है, दोनों चीज़ां तुहानूं फायदा नहीं फिर दिंदियां। इस करके ये ख्याल रखना। मैं कई बार उदाहरण दित्ती बाहरले देशां च गोरियां दी, भी जिथे असी हौली हौली बाणी पढ़ के अवस्था बना के पहुँचना, वह पहले ही उत्थे खड़े है, इन्ना सच बोलते ने, और झूठ नहीं बोलणगे कदे, मिलावट नहीं करनगे कदे, गाल समझते। अपने पटियाले दे ही सी वकील, हुण तां चढ़ाई कर गए, वो तां आहो तिमरदान दे गुरद्वारे वल रहिंदे सी, कुदरती बस शरीर छड्ड गया। वो कहिंदे मैं अमरीका गया तां मैं जा के कहना गिरमी कहना प्योर मिलक, गोरा तो अखा लाल करके खड़ा, कहना तू तो मैं गाल कड़ती, ये इंडिया प्योर मिलक का लग्या, साढ़े तो इतने होंगे ही प्योर है, असी नकली बनाऊंगे नहीं थोड़े अंग, बड़ा गल पिया। कहना मैनू बड़ी शर्म जी आई, इस करके ये चीज के उत्ते लिखा होंगे प्योर, उत्थे लिखण की लोड़ नहीं, जिथे प्योर होंगे, जिदे ते प्योर लिखा होंगे ना, मैं देखा उस चर्बी पाई होंगी, प्योर नहीं हुंदा। सच ते चल के ही सच की प्राप्ति, 50 नहीं 75 नंबर तो सच ते ही खड़ के मिल जाते हैं, फिर थोड़ा ही पाठ, फिर हक की कमाई हो गई, हक की कमाई। बाबा सुंदर सिंह जी खालसा भिंडरांवाला दे जो पिता बाबा खजान सिंह 101 साहब जी साहब करते, सारा सब पाठ अकंठ सी गुरु ग्रंथ साहब का, वह जवानी कराया करते सी, जे हल वाहुणा खेत में जो कणक का बोहड़ लग जाना, एक टोकरा भर के आओ परले दे बोहड़ च, उधरले इधरले इधरले सारे, बापू जी तुसी इधर क्यों पाई ने, कहने नहीं जानी एक अद्धी बल्ली इधर आ गई, थोड़ी इधर आ गई, हो फिर किहड़ा लेखा दिंदा, फिर हुण ही हिसाब बराबर कर लैने हैं। साध संगत हक की कमाई इन्नी चंगी हो, बंदगी विच पूरे टॉप ते चलदा काम, सच दे सुच्चा खाणा, सच बोलना, हक की कमाई खाणी। भाई लालो की रोटी चो दुध ताइयों कढ़िया सी, हुण तुसीं करी जाओ जो करना, हेरा फेरियां, बेईमानियां, चोरियां, ठगियां जो करदे लोक, झूठ तूफान बोली जांदे, अंतरजामियां कोल भी जाके झूठ बोली जांदे, वह हसी जांदे मूहरों ले, दस ये दस न्याणा जिहा करदा की है, मैनूं तां सारा ही पता इहदा, ये झूठ बोलदा, पर वह सुणदे रहिंदे, वह कहिंदे कुछ नहीं, कहने कोई नहीं पुत नुकसान तो अपने ही कराएगा, तू झूठ बोल बोल अपना नुकसान करा लेना। जे गुरु ग्रंथ साहिब कोल पंज प्यारे कोल लोग सच नहीं बोलते, आके साडे कोल नहीं सी बोलते, तो इस करके मैं तुहानूं सौखा राह दस्सिया, सच ते चलना, सच बोलना। पहला औखा हो एक बार, पहला हाँ मैं नुकसान हो थोड़ा, पहला पहला तंगी होगी, भुखे मर जाओगे भी सच ते चले, पर हौली हौली ऐन उपर उठना शुरू होवोंगे, सच का बूटा उगूगा ते सुचम दा बूटा उगूगा, जदों जदों असी अपने हक की कमाई खावांगे, बाली नहीं चोपड़ी नहीं खानी, कोई गल नहीं जे मिलदी बे ही खा लांगे, नहीं वह नहीं खानी है। इस करके लाओ महीने 6 नहीं लगने, परमात्मा सामने खड़ा है, तो सारी जिंदगी पाठ करदे आज इत्थे आ करदे आ करदे सेवा करदे यात्रावां करी जांदे ने सब करदे ने, पर हिसाब थोड़ा बराबर ही है, आंडा जीरो ही आता थोड़ा, ये की फायदा इन गलों का, किसी का दिल दिखाने में ही नुकसान खाएगा। एक बार क्रोध करता ना किसी से, पता नहीं किन्ने नुकसान उठा लें, क्रोध कर धर्म होत विभंगा, क्रोध नाल धर्म नाश हो जाता। इस करके महाराज कृपा करन, क्रोध तो विकारा तो इन चीज़ों तो बचा के रखन, प्राप्ति वाले महापुरखों वगू शांत चित रहना सीखीए, महाराज जी कृपा करन। इस करके अगे जो फरमा रहे ने सीली श्री बाला सुंदर वाच, श्री बाला सुंदर वाच दोहरा पलना पल पड़ो भी कह लड़ना ले अंक, सो पलना पंगूड़े दे उत्ते पौड़ा वही, हुण महाराज सच्चे पातशाह सुशोभित किया है, कह ललना लाड़ दे वाक बोल के लैके अंक गोदी दे विच, लालत मात बसाल हित
ਸੁੰਗਤ ਬਦਨ ਮਯੰਕ। ਲਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਾਉਣਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਚੌਪਈ ਆਨਨ ਆਰਨ ਜਾਤ ਨਿਹਾਰੀ, ਲੀਲ ਲਲਤ ਆਰਤ ਹਾਰੀ। ਹੁਣ ਆਨਨ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਮੁੱਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਆਰਨ ਜਾਤ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਨਿਹਾਰੀ, ਉਹ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਊਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਠੰਡ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ। ਵੈਸੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ, ਆਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਵੀ ਠੰਡ ਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਤਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਉਹ ਠੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਟੱਕ ਚਕੋਰ ਦੀ ਨਿਆਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਇੰਨੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਜੁੱਗਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਲ ਲਲਤੰਗ ਆਰਤ ਹਾਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੀਲ ਲਲਤੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁੰਦਰ, ਆਰਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹਾਰੀ ਹਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਐਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੱਕ ਛਿੱਲਰ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਈ ਜਾਵੇ ਪੈਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹ ਜੂਠਾ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੱਥ ਜੂਠੇ, ਫਿਰ ਚੌਰ ਫੜ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਗ ਲਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਹੋ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਹੁਣ। ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੁਪਈਆ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇਗ ਲਵੇ, ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ, ਉਹ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੋਤੀ ਬਾਗ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਘਿਓ ਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਚੌਰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਿੱਚ, ਮੱਥਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਫੋਨ ਦੀ ਸੁੱਚ ਸਟੋਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋੜਾ ਲਾਉਣਾ, ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਹੈ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਹੈ, ਉੱਥ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੰਜ ਕੁ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਆਓ, ਬਿਲ ਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆਓ, ਸੋਚ ਕੇ ਆਓ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਖੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿੱਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਗਤੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿਉ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਲਜਬਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 100 ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਊਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੁੜ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਲੋਚਨ ਅਮਲ ਕਮਲ ਦਲ ਜੈਸੇ, ਨਾਸਾ ਤਿਲ ਪਰਸੂਨ ਵੈਸੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਚਨ ਨੇ ਅਮਲ ਕਮਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ, ਕਮਲ ਦਲ ਜੈਸੇ, ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਲੋਚਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 4, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੋ ਐਂ ਨੀਲੀ ਨੀਲੀ ਭਾਅ, ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਨੀਲੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 100 ਜਨਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, 1, 2, 3 ਤੱਕ ਤਾਲੂਏ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਲੇਪ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਸਾਫ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਨੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਐਵੇਂ ਹੱਸੀ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੂਈ ਦਵੈਸ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਏ,
ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਈਆਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਡਲ ਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਜੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਖੈਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਆਭਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਭਚੰਗੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕੋਲ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਚੰਗੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ, ਦੋ ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੀ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ ਜੰਡ ਸਰ, ਕਿਆ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਲਾਲ ਸੁਰਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਿਹਰਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੁਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਚੰਗੀ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਜਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਈਆਂ ਦੱਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜੋ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਉਹ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਐਂ ਲੱਗੂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 1974-75 ਦੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ, ਬਸ ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਉਣ ਮੇਰੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਫਿਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਚਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚ, ਲੋਚਨ ਅਮਲ ਕਮਲ ਦਲ ਜੈਸੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਸਾਂ ਤਿਲ ਪਰਸੂਨ ਨਹਿ ਵੈਸੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਨਾਸਕਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਿਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ, ਕਦੇ ਤਿਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉਂ ਸੁਣੀਏ, ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਸਕਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੌੜੀਆਂ ਚਪਟੀਆਂ ਜੀ ਨੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਨਾਸਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਲੁਹਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਅਲੰਕਾਰ ਕਰਵਾਏ, ਬਿਨ ਦੁਖਨ ਕੈ ਭੁੱਖੜ ਪਾਏ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਹਿਣੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਓ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਿਨ ਦੁਖਨ ਕੈ ਭੁੱਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਚੁਭੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਜੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛਣਕਣੇ ਜੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਣ ਛਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਮਰੇ ਮਿਲਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਣਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਰਸੋਈ 'ਚ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ, ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਨਿਆਣਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਇਆ, ਜਾਂ ਲੱਤ ਹਿਲਾਈ ਬਾਂਹ ਹਿਲਾਈ ਛਣਕਣਾ ਖੜਕ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਸੀ, ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣਾ। ਬਣੇ ਬਾਜਨੇ ਕੰਕਣ ਚਾਰੇ, ਘਟ ਮੈਂ ਪਾਏ ਅਤ ਸ਼ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਬਾਜਨੀ ਕਿੰਕਣ ਚਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਤੜਾਗੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਟ ਮੈਂ ਪਾਈ ਅੱਤ ਛੱਬ ਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਪਦ ਨੂੰ ਪਰ ਸੋਹੈ, ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਿਸਕੇ ਮਨ ਮੋਹੈ, ਕਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੜੇ ਪਦ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਜੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਖੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਖੜਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਐਵੇਂ ਟੈਂ ਟਿਊਂ ਟੀ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਆਣਾ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ,
पुराने टाइम से चीज़ें नहीं सी बनदियां तो फिर उदो यह जी सिस्टम रखते सी भी न्याणा वो घुंगरू जे जी खुश रहिंदा सी नाले कदे टल्ली जी खड़का देनी कदे आप ही करी जाना इस करके बच्चे नूं प्रसन्न रखना दोए दोए दसन अदर तुत होती संपट बिरदम जो जुग मोती ओ जी हुण दंद निकलिया है बाहर दंद कढ ले हन सुंदर सोहणे दोए दोए दसन अदर दुत होती कहिंदे होंठ जिहड़े ने उहनां दे विचों दो जिहड़े सुंदर दंद ने ऐसे सुंदर लग रहे ने मानो संपट बिरदम ज्यों जुग मोती कहिंदे मूंगे दे डब्बे विच जिवें दो चिट्टे मोती रखे होण जद हसदे ने तो वह दंद बड़े ही सोहने लगते आकर्षक करते अपने वल नूं महाराज सच्चे पातशाह अपने भी बच्चों जब दंद निकलते किन्ने खुश होंदे उह निकलिया उह सारे उहनूं उही हसाई जाणगे लई इक वार दंद तां देखणे दे दंद देखने किन्ने सोहने लगते हैं अंगन मैं रिंगन गतकारी चरना बुझ खैचित बलिहारी हुण रिड़न लग पे ने कहिंदे अंगन मैं वेहड़े दे विच रिंगन गतकारी रिड़दे ने ओह हुण ओह खड़कदियां सारियां चीज़ां संकेत हुंदा माता जी नूं वै रुड़दे रुड़दे इधर खड़कदा कुछ उधर गए होने ये उधर गए होने आ कित्थे ओ लाल जी आवाजां दिंदे ने फिर वह खड़क जांदा मैं इधर हाँ हुण बोल तो सकते नहीं हाँ पर चीज़ां जिहड़ियां ने गतकारी मुक्ति दे दाते चाल दे नाल रब आप आया कौतक कर रहा है चरणा बुझ खैचत बलिहारी हुण गोड़नी नाल रुड़दे ने एक एक चरण नाल खिच खिच के गोडा थले ला के रुड़दे ने बड़े सोहने लग रहे ने हेरत हस्त असावत औरी ਕਿਲਕਤ ਮੁਖ ਤੇ ਮਾਦਰ ਠਾਉ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮਾਦਰੀ ਠੌਰ ਬੜੀ ਮਾਦਰ ਠੌਰੀ ਬੜੀ ਕਲਕਾਰੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਕਲਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਐਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਇਹ ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਿੱਚਵੀਂ ਐਸੀ ਐਸੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਜਾਣਾ ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਰਹਿਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਉਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੀ ਆਨ ਬਦੁੱਟੀ ਮੂਰਤ ਪਿਖ ਜਨ ਆਨੰਦ ਬੂਟੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਨੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੋਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੂਰਤ ਪਿਖ ਜਨ ਆਨੰਦ ਬੂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਮੈਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਟਾਖ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਬਿਦਾਰਿਓ ਕਹਿ ਕਰ ਪੁਜਤੇ ਅੰਕ ਵਸਾਵੈ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਹਰਖ ਲਡਾਵੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਗੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਲਾੜ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਤੋਤਰ ਮਿੱਠੇ ਸੁਣੈ ਨਾਰ ਨਰ ਲਾਗੈ ਈਠੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੋਤਲੇ ਤੋਤਲੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੇਰੈ ਮਾਤ ਤਾਤ ਅਨੁਰਾਗਾ ਫਿਰਤ ਭੂਮਿਕਾ ਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਲਾਗਾ ਸੋ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗੇ ਧੂਰ ਧੰਨ ਧੂਸਰ ਹੋਏ ਅੰਬਲੇ ਅੰਬਾ ਅੰਗ ਧੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ
कहिंदे अंब हुंदा पाणी अंबले अंबा अंब पाणी लैके अंबा कौन है पाणी माता तो अंग धोए उन्हां दे अंग धो दिंदे हन फिर चेहरे दे उत्ते आपां न्याणे दे फेरदे ही रहने हथ जिहा फिर चमक जांदा फिर सोहणा फिर हसदा जाणिया इक बस जी लग्गिया रहिंदा सारे पिंड दा मल कर मुख मजन करवायो पौछ शरीर अंक बैसायो मल करके अच्छी तरह मुख दा इशनान करा दिता फिर मानो जे छोटे छोटे केस विच कंघी फेर दिंदे आ फिर लिशका दिंदे आ उन्हां नूं फिर सोहणे लगदे आ शरीर नूं अच्छी तरह पहुँच करके गोदी विच बिठा लैंदे ने हाँ जी अग्गे दोहे राव चगली चीन नवीड पुन पहराई तन तात चगली जिहड़ी हुंदी आ छोटी जी झग्गी चिट्टी जी पा दे वी जितों हवा क्रॉस हुंदी जिहदे विचों बड़ी सोहणी बरीक जी दुध वर्गी फिर इस तरीके चिट्टी पवा करके फिर उन्हां नूं चगली चीन नवीन पहराई तन तात शरीर दे उत्ते पै ला दित्ती पै को पान कराए कै पढ़वाए कर मात उस वक्त पै को पान पै नाम दुध दा है दुध छका दिता दुध पिया दिता करा करके माता ने फिर कहने हुण थक गए खेड़ दे हुण समाइए इन्हां नूं फिर माता जी हथ उत्ते तापड़ी जी कर करके हौली हौली समा दिंदे ने सौणा तां उहनां ने की हुंदा उह तां उदां ही बस अखां बंद करके खानी कित्थे 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 जा आउंदे ने इह बहुत वड्डा कुछ है बस ऊं इह सारा उहनां ने आके कौतक कीता सच्चे पातशाह इह भगतां दे अधीन ने इह दोनों भगत ने भगतां दे घर आए ने पर धन बाबा कल्याण चंद माता जी माता तृप्ता जी तुहाडे करके साडा भी भला हो गया अज तो थोड़ा ही धन्यवाद करी जाने कल दे भी तुसीं धन हो थोड़ी कमाई धन है धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह धन धन पिता धन धन कुल जिन गुरु जनिया माया धन है वह कुल जिन्हां ने माता जी ने ऐसी सेवा की है सो साध संगत इत्थे आपां हुण दस पौड़ियां होईयां अगे कल सवेर की कथा नहीं होनी कल नूं फिर प्रोग्राम है कल शाम नूं तुसीं हुण हाजिर होना है कल शाम की कथा होएगी 25 तरीक की कथा नहीं होनी क्योंकि 25 नूं असीं काफ़ी दूर प्रोग्राम ते सवेरे ही निकलना हुण जिहड़े पहलां दे प्रोग्राम दिते हुए ने करने पैंदे आ फिर उस बाद फिर 26 नूं 27 नूं फिर 28 सवेर की कथा सुणांगे फिर उस बाद बस 31 तो फिर चल पवांगे अगे फिर घटते जाने अगले महीने तो काफ़ी घट जाने हुण बहुत संगत दे फोन सानू दो टाइम सानू दो मैं कहा ना असी कथा रिकॉर्ड कर रहे हूँ असी किसी नू टाइम नहीं देना अब तुसी इत्थे बह के ला लिया करो ना उत्थे सुनी जाओ फिर साड़ी कथा रह जाती बाकी संगत नू मैं फिर भी बेनती करूँगा जिहड़े कथा सुन दे कि प्रोग्राम ना मैं इत्थों मंगियो हुण आही प्रोग्राम वड्डा अपना चल रहा है सारे वर्ल्ड दे विच सारी दुनिया कथा सुन ले तुसी भी सुनी जाओ ये होर बथेरे कथावाचक होरना सद लो इन्ने तो कथावाचक ने महात्मा ने महापुरश ने दवान उन्हों तो लवा लो किसी तो फिर मैनू माफ़ी दो एक डेढ़ दो साल वास्ते फिर एक बार आ सारा कुछ संपूर्ण कर लिए इस करके साध संगत महाराज मेहर भरिया हथ रखन फुलां चुकां की माफ़ी बख्शनी एक जेडे फोन वाला करते मैं फोन नहीं चकदा कि मैं तो आप थक जाता फिर पहला मैं सवेरे कथा करके फिर मैं दुपहरे वो मरदापुर कथा की उतों वापस आके हूँ आराम नहीं होया पूरा आके हूँ फिर कथा शुरू करती फोन अटेंड करो नाले फिर मिलने वाले आप ही आ जाते हैं भी मैं क्या हूँ ना आया करो मिलने जिन्हें आना उत्थे कथा च ही आ जाया करो बस कथा इतने जी गलबात करनी है हूँ मेरा यह हों फोन के उत्ते उ गल कथा बह जाओ चाहे कित मर्जी कथा ला के जे कोई अमरीका च भी सुनता उत्थे बह के फुरना कर लो भी मेरा आ जवाब चाहिए वो जवाब कथा च महाराज ने आपे दे देना होंगे मेरा जवाब दे देने महाराज तो मैं जे सोच के कोई गल आवां ना मैनू भी हासा आता भी आ गई मेरी गल जो मैं सोच के आया हूँ इत्थे असी नहीं होंगे इत्थे तो महाराज ही होंगे सच्चे पातशाह कथा कराउंदे ने जदों स्टेज तो उतर गए फिर ओह ही बंदा है बैठ गया मिट्टी का ढेर जहा ये उत्ते फिर कृपा करके छजू झौरू छटी रख के फिर कथा करा लेंगे ये सतगुरु ही करते ने मैं सच्ची कहना भी इन्नी भी नहीं मैं सोच इन्ना मेरे च नहीं दिमाग हैगा ना मेरी इन्नी बुद्धि हुई है आ अखर देख देखते मैनू उदा ही डर लगता भी इन्नी कथा मैं किदा करूँगा पर जब कर लग जाने फिर आखी तो चल पी तो आ रही है भी मैनू आ रही है
पर सच्चे पातशाह कराउंदे ने अगे वास्ते महाराज कृपा करने कथा कराई जान सेवा लई जान कीर्तनिया तो कीर्तन की सेवा लैन पाठिया तो पाठ की सेवा लैन लांगरिया तो लंगर की सेवा लैन सच्चे पातशाह जिमें थोनों भाउंदा ना ज्यों भाव है त्यों राख लै हम शरण प्रभ आए राम राजे हम भूल बिगाड़ हैं दिन सरात हर लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांड्या हर पैज रखाए आओ सारे जाने प्यार नाल आपां नूं हुण दर्शन तां हो ही गए महाराज दे ओह दर्शन दा ध्यान धर के हुण एक बार आओ लय दे विच प्यार नाल बोलीए वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मह सुख कनेरे तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मह सुख कनेरे धन गुरु नानक देव साहेब जी धन गुरु नानक देव साहेब जी धन गुरु नानक देव साहेब जी धन गुरु नानक देव साहेब गुरु नानक देव गोविंद रूप 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 वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे गुरु संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो संत जना मिल हर जस गायो कोट
कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाए, सर्व सुख हर नाम वडाए, गुर प्रसाद नानक मत पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।